दोस्तों मैं हूँ राम के प्रजापति और आपका राम जी टेक्निकल चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ रेडमी टीवी में वॉलपेपर कैसे लगाएं और रेडमी टीवी में स्क्रीन सेवर कैसे लगाते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी रेडमी के नए टीवी खरीदने वालों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, ये आपके रेडमी टीवी के जो रिमोट है उसमें कुछ इस तरीके से बटन मिलेगा। ये है एक मेनू का बटन और ये एक दूसरा मेनू का ऑप्शन है जिसको पैच वाली बोलते हैं, ठीक है। तो ये सिंपली जो है इसको प्रेस करेंगे तो ये अभी जो है फिलहाल इस तरह का मेनू है और यहां पर ये दूसरा पैच वाली है, इसको प्रेस करेंगे तो यहां पर कुछ दूसरा मेनू आ जाएगा। तो आपको यहां पर पैच वाला जो ऑप्शन है इसको आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद से आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन दिखाई देगा रेडमी टीवी में। आपको यहां पर जो सेक्शन में दिखाई दे रहा है इस वाले सेक्शन में आपको ये से मूव करके रिमोट कंट्रोल से नीचे की साइड में आना है और इस साइड में हमको जो है यहां पर नीचे की साइड में आके हम जो है इसको मूव करेंगे, इस साइड में ऐसे ऐसे मूव करेंगे, ऐसे ऐसे मूव करके आपको जाना है यहां पर जो थ्री डॉट है आपको उस पर ले जाना है और इस पर क्लिक करना है। जैसे आप थ्री डॉट पर क्लिक करते हैं तो यहां पर और भी कई सारे ऑप्शन आपको सामने आपके रेडमी टीवी के स्क्रीन पर दिखाई देंगे, जिनमें से आपको नीचे की साइड में आप देखें तो यहां पर जो है वॉलपेपर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आपको सिंपली इस वॉलपेपर वाले जो आइकॉन है ना एमआई वॉलपेपर, उस पर आपको ओके यहां पर रिमोट से ओके कर देना है। ओके जैसे ही करेंगे तो यहां पर एमआई का वॉलपेपर आ जाएगा। अब नीचे देखिए यहां पर दो तरह का वॉलपेपर दिया गया है, एक है क्लॉक एंड यहां पर है पैच वाली। इस पर क्लिक करके आप इसको प्ले करके देख भी सकते हैं किस तरीके से ये वॉलपेपर चलेगा। हमने इसको अप्लाई भी कर दिया, ठीक है। अब यहां से ये जो बैक वाला बटन है इसको प्रेस करेंगे तो यहां पर देखिए हमने ये वॉलपेपर सेट कर दिया है। बैक करेंगे, ऊपर की साइड में जाएंगे और यहां पर देखिए ये सेटिंग आपको यहां पर मिलेगी। उस सेटिंग पर ओके करेंगे तो यहां पर देखिए एक स्क्रीन सेवर का ऑप्शन यहां पर दिखाई दे रहा है एमआई वॉलपेपर। इस पर ओके करेंगे तो यहां पर देखिए चार तरह के जो है स्क्रीन सेवर मौजूद है यहां पर, स्लिप, बैकड्रॉप, कलर्स एंड एमआई वॉलपेपर। यहां पर मैं चाहता हूं कलर वाला जो है, मैं यहां पर कलर वाला जो यहां पर वॉलपेपर स्क्रीन सेवर है उसको मैं सेट कर दे रहा हूं। और यहां पर दिया गया है व्हेन टू स्टार्ट आफ्टर 5 मिनट ऑफ इन एक्टिविटी। इस पर क्लिक करके हम चाहे तो टाइम सेट कर सकते हैं कि कितने समय पर जो है हमारे टीवी में वॉलपेपर स्क्रीन सेवर स्टार्ट होगा। यहां पर 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा एंड नेवर दिया गया। तो 5 मिनट की मैंने दे दिया है, मैं चाहूं तो 15 मिनट भी दे सकता हूं, चलिए 15 मिनट ही दे दे सकते हैं। नीचे देखिए दिया है पुट डिवाइस टू स्लीप, यहाँ पर नेवर है। अगर आप दोस्तों यहाँ पर चाहते हैं कि आपकी डिवाइस मतलब जो टीवी है इनएक्टिव है, कोई देख नहीं रहा है, ऑन है और आप चाहते हैं कि मतलब ये 30 मिनट के बाद या फिर 1 घंटे के बाद स्लीप मोड में चला जाए, तो आप कंप्यूटर और लैपटॉप की तरह इसे भी स्लीप मोड में डाल सकते हैं। तो मान लीजिए मैं चाहता हूं कि 30 मिनट तक अगर कोई मेरी टीवी को नहीं देखता है तो ये स्लीप मोड में चल जाए, तो मैं इस पर ओके कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर देखिए स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से ये कलर वाला स्क्रीन सेवर हमारे जो एमआई का टीवी है, रेडमी का टीवी है, उसमें इस तरीके से हो जाएगा। ओके चलिए, तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग भी अपने एमआई टीवी में वॉलपेपर स्क्रीन सेवर की सेटिंग कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।